मेरा नाम है हारिस मुमताज और आप देख रहे हैं हारिस मुमताज ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन शूट के बारे में। ओपन शूट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ऐसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है ओपन शॉट वीडियो एडिटर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये जो पहला वाला लिंक है डाउनलोड ओपन शॉट वीडियो, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 64 बिट है, तो 64 बिट भी आपको इसमें अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो विंडो के लिए। और इसमें 32 बिट भी है विंडो के लिए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा ये आपको जो है लिनक्स की डाउनलोड के लिए भी ऑप्शन देता है, क्रोम के लिए, OS जो एप्पल का है उसके लिए, ठीक है। विंडो का रेडी मैंने आपको बता दिया है, तो क्योंकि मेरे पास विंडो है तो इसलिए मैं विंडो के लिए डाउनलोड के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसे फिलहाल रन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको जस्ट ये जो है यहाँ से पास कर दूंगा और बल्कि कैंसिल कर देता हूँ। और जो मेरे पास सेटअप डाउनलोड पड़ा है मैं उसी को आगे रन करके आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, मेरे पास ये इसका सेटअप पड़ा हुआ है। अब मैं इसको आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, आप ये मुझसे जो है ओपन शूट के LLC का पूछ रहे हैं, तो सिंपली इसको आपने यस कर देना है। यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी है, यहाँ पर इसने इंग्लिश ब्रिटिश दी हुई है तो हमने इसको जस्ट इंग्लिश सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। उसके बाद ये आपसे एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको हम क्लिक करेंगे और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इस सेटअप को कहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर अगर आपने कुछ और चूज़ करना है, कोई और जो डिवाइस है वो सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर ब्राउज में जाकर क्लिक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, आप जैसे यहाँ पर डी दिया हुआ है या कुछ भी। और मैं तो सी में रहने दूंगा, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सी इसने बताया हुआ है वहीं पे इसे छोड़ दूंगा और सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इसका आइकन जो है वो डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं या ये बाकी। मैं इसको डेस्कटॉप पर रखना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो इसने अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ी देर में जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर इसे देखते हैं आगे। तो अब हमने सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमने वापस आ जाना है। ठीक है, वापस आने के बाद
यहाँ पर इसने ये देखे हमें डेस्कटॉप पे आइकन दे दिया है, तो एक बार रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको खुद ओपन कर देगा। तो यहाँ पर आकर आपने जो है आपको इसने ओपन कर दिया है, तो यहाँ से आप फाइल चूज कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए या ओपन, जोन सा आपने अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करें।